अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी दोस्तों का हमारे कासमी शिफा चैनल में इस्तकबाल है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछले काफ़ी दिनों से आप ऑनलाइन आपकी मदद और सेवा हम करते हुए आ रहे हैं। दुआ करें इसी तरह आगे भी आपकी मदद और सेवा हम करते रहें और आप तक आपकी बीमारियों के ताल्लुक से हम नई नई दुआओं की जानकारी लेकर आपकी खिदमत में हम पहुँचाते रहें। तो दोस्तों, जोड़ों की बीमारी, जिस्मानी कमज़ोरी, इसी तरह कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, ये आम हो चुका है और यहाँ तक कि आदमी के घुटनों में दर्द जो रहता है, जॉइंटों में दर्द रहता है, ये तो आज बहुत ही ज़्यादा इसका चलन हो चुका है। इसके लक्षण क्या हैं आपको बताते चलें। सबसे पहली चीज़ है हमारा वर्जिश ना करना और खान पीन का सही तरह इस्तेमाल ना करना, टाइम पर ना खाना, इसी तरह खाने का अपने जिस्म की मांग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना, इसी के साथ साथ नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करना। अगर वज़न उठाने की बात आती है तो अपनी ताकत और सेहत से ज़्यादा वज़न उठाना, जिसकी वजह से उस वज़न उठाने के बाद अपने जिस्म में हम कमज़ोरी पैदा कर लेते हैं, जिसके बाद नई नई बीमारियाँ जन्म ले लेती हैं। तो दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम बात करते हैं आज की दवा के बारे में। तो आज आपके लिए हम लेकर आए हैं ये जो आप देख रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, ये कुर्से सेफ्रोन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी। अगर आपके बदन में दर्द रहता है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपके कमर में दर्द रहता है, आपके दिल और दिमाग के अंदर कमज़ोरी आ चुकी है, उसको भी ये दूर करती है कुर्से सेफ्रोन। जी हाँ दोस्तों, ख़ास तौर से ये आपके कमर और जोड़ों के दर्द को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप और दवा चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए हम दूसरी दवाओं के लिंक दे देंगे, आप उनसे जानकारी लेकर मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हम इस कुर्से सेफ्रोन के इस्तेमाल की। तो आप सुबह और शाम एक एक गोली आप इसकी दूध के साथ इस्तेमाल करें खाने के बाद। अगर आपको ज़्यादा परेशानी है तो आप अपनी उम्र और अपनी सेहत के अनुसार इसमें आप बढ़ोतरी भी कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपके मैं राय दूंगा कि आप अपने करीबी किसी क्लिनिक पर जाएं और वहां से संपर्क करें, या अपना कोई आपके संपर्क में डॉक्टर हो उससे आप राय ज़रूर ले लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ दोस्तों, याद दिलाते चलें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सकें और आप हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, अब इजाज़त दें, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह दूसरी दवा की जानकारी लेकर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।